देखिए दोस्तों, जीके के पेपर रद्द हुए हैं। कौन से पेपर रद्द हुए हैं? जीके के पेपर रद्द हुए हैं। सब्जेक्ट का पेपर रद्द नहीं किया है क्या दोस्तों? पेपर लीक करने वाला या पेपर खरीदने वाला कोई भी माफिया जीके का पेपर लेगा या सब्जेक्ट का पेपर लेगा? सिलेक्शन का आधार तो सब्जेक्ट का पेपर बनता है, जीके का पेपर नहीं बनता है। यदि किसी को पेपर लीक करवाना होगा तो जीके का पेपर के साथ साथ सब्जेक्ट का पेपर जरूर लीक करेगा, और किसी को खरीदना होगा तो भी वो ऐसा ही करेगा। अब यहां पे जीके का पेपर रद्द करके विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है। वास्तव में पेपर हैं जो सब्जेक्ट के रद्द होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों सब्जेक्ट के पेपर जरूर आउट हुए हैं, 101% आउट हुए हैं। और यहां पे विद्यार्थियों को भ्रमित करने के उद्देश्य से, उनको एक छलावा देने के उद्देश्य से, उनको एक हल्की लॉलीपॉप पकड़ाने के उद्देश्य से जीके के पेपर रद्द किए हैं, जबकि पेपर सब्जेक्ट के भी रद्द होने चाहिए। अब तो जग जाहिर है, अब तो सब पर्दाफाश हो चुका है कि इस भर्ती में करप्शन हुआ है, इस भर्ती में पेपर लीक हुए हैं, इस भर्ती में माफियाओं ने अपनी हदों को पार किया है। तो फिर पेपर हैं जो सभी रद्द होने चाहिए, सिर्फ जीके का पेपर रद्द करके विद्यार्थियों को छला नहीं जाना चाहिए। जो विद्यार्थियों के साथ छलावे के ये प्रोग्राम चल रहे हैं, विद्यार्थियों का जो ये बुरा वक्त चल रहा है, ये बुरा वक्त लाने के लिए जिम्मेदार दोस्तों आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड है। अभी आपके सेकेंड थर्ड ग्रेड के एग्जाम हुए, थर्ड ग्रेड एग्जाम में परिणामों में अपन ने देखा कि कुल 44% है जो डिलीट किए गए। थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो, 44% डिलीट करके विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात किया। सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में पेपर रद्द हो गए, सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में पेपर आउट हो गए। अब विद्यार्थी जाए तो जाए कहाँ? शिक्षक बनने का अपना सपना कैसे पूरा करे? संभव ही नहीं है उसके लिए। हर जगह उसके दुश्मन है, कोई उसके साथ देने के लिए नहीं है, कोई उसके साथ आवाज उठाने के लिए नहीं है। तो ये समय दोस्तों विद्यार्थियों के लिए सही नहीं है। और मैं तो इस सिखवाल के इस प्लेटफॉर्म से एक ही आवाज उठाना चाहूंगा कि पेपर अब है जो स्पष्ट हो चुका है, अब स्पष्ट है, पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि इस सेकंड ग्रेड की भर्ती में करप्शन हुआ है, इस सेकंड ग्रेड की भर्ती में पेपर लीक हुए हैं। सिर्फ जीके के नहीं हुए, जीके के पेपर रद्द करके आप स्टूडेंट को छल नहीं सकते, आप स्टूडेंट को गुमराह नहीं कर सकते, आपको सब्जेक्ट के पेपर भी रद्द करने होंगे और इस भर्ती को जीरो से लेकर पुनः है जो प्रारंभ करना होगा, ताकि पारदर्शिता हो। दोस्तों एक विद्यार्थी जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जयपुर या जोधपुर जैसी बड़ी सिटी में आता है तो कम से कम 2 लाख रुपए का उसके ऊपर खर्च होता है। 2 लाख से अधिक खर्च करने के बाद वो एक एग्जाम की मुकम्मल तैयारी कर पाता है। पहले वो कोचिंग में बड़ी फीस देता है, फिर जयपुर या जोधपुर जैसे बड़े शहरों में रहने के लिए किराए के रूप में, पीजी के रूप में, खाने के रूप में, खाने के पैसे के रूप में है जो वो पैसे निवेश करता है। वो दिन रात एक करके मेहनत करता है, वो 10x10 के छोटे रूम में रहता है, वो अपने दोस्तों के साथ मेहनत करता है, अपने परिवार वालों से दूर रहता है, हर स्तर पे कॉम्प्रोमाइज करता है। किस लिए? सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए, सिर्फ अपना एक सपना पूरा करने के लिए कि मैं भविष्य में शिक्षक बन के देश और समाज की सेवा कर सकूं। उसने अपने जिंदगी के पिछले 25 साल एक सपने को दिए हैं, और वो सपना जब इस तरह से धराशायी होता है तब विद्यार्थी की स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों ये सेकेंड ग्रेड का एग्जाम जब से हुआ तब से विद्यार्थी परेशान है। जब ये न्यूज आई कि एक बस में है जो 40 लोग पेपर हल करते हुए पाए गए, उस दिन से विद्यार्थी आत हैं, उस दिन से उनको तिल तिल करके मौत के घाट उतारा जा रहा है। मैं मौत के घाट इसलिए कह रहा हूं कि जिस भी विद्यार्थी ने दिन रात एक करके मेहनत की, जब वो देखेगा कि उसके पेपर रद्द हो गए, उसने जिस भर्ती के लिए अपने 3 साल निवेश किए, या यूं कहूं अपना पूरा जीवन निवेश किया, वो पेपर रद्द हो गया किसी भ्रष्टाचारी आरपीएससी के सदस्य से या फिर किसी और माफिया की हरकत की वजह से वो पेपर आउट हुआ और वो रद्द हो गया, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी? और इसी भावावेश में आके विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं, विद्यार्थी दुखी आहत होते हैं। और विद्यार्थी, कोई एक भी विद्यार्थी आत्महत्या करता है तो उसके पीछे हत्यारे ये लोग हैं। दोस्तों कटारा गिरफ्तार हो चुका है, कटारा जेल में है, परंतु उसकी संपत्तियां आज भी यथावत हैं। जब सरकार ने कार्रवाइयां की थी, पेपर जब लीक प्रकरण आया था सामने, जब सरकार ने कार्रवाइयां की थी, बड़ी बड़ी कोचिंगों को ढाया था, बड़े बड़े बंगलों को ढाया था, तो फिर कटारा को संरक्षण क्यों? कटारा को भी ये संरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिए, उसकी भी संपत्तियां सीज होनी चाहिए, उसकी भी संपत्तियों पे बुलडोजर चलना चाहिए।
क्योंकि जब बुलडोजर कल्चर की शुरुआत राजस्थान में आपने कर ही दी है तो फिर कटारा को क्यों बख्शा जाए? कटारा को भी नहीं बख्शना चाहिए क्योंकि उसने लाखों विद्यार्थियों के सपने को खाया है, सपने को नेस्तानाबूज किया है, उनके परिवार वालों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके उसके चाहने वालों के साथ कुछ गलत किया है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों आरपीएससी के साथ साथ अधीनस्थ बोर्ड भी अपन देखते हैं कुछ विद्यार्थियों के साथ ठीक नीतियां नहीं है। विद्यार्थी संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आवाज उठाने की जरूरत है। दोस्तों ऐसे मौके पर भावुकता में कुछ ज्यादा बोला जा सकता है और बोलना भी चाहिए। कब तक चुप रहेंगे अपन? कब तक इस अन्याय को चुपचाप बर्दाश्त करते रहेंगे? कितने ही लोगों ने इस एग्जाम के लिए अपने सपने सजोए होंगे, कितने ही विद्यार्थियों ने, कितने ही परिवार इस एग्जाम के बल पे खुशियां मनाने का इंतजार कर रहे थे। अभी बात चल रही थी कि इसकी आंसर की आगे रिजल्ट आ जाएगा और अब जैसे ही शायद ईडी का प्रकोप हुआ तो क्या हुआ, फिर से पेपर रद्द कर दिए। और रद्द तो होना ही चाहिए था क्योंकि इस भर्ती में 101% दोस्तों धांधली थी। और यदि भर्ती नए सिरे से होती है और इस बार पारदर्शिता से हो, ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस बार भर्ती कैसे हो दोस्तों, पारदर्शिता से हो। भर्ती पारदर्शिता से होगी तो विद्यार्थियों के सपने पूरे होंगे।